फाटा पाकिस्तान का कबायली इलाका जो कि केपीके में मौजूद है। मेरे सामने इसका जिक्र हमेशा इलाका गैर के नाम से हुआ तो गैर का लफ्ज़ सुनते ही दिमाग में एक तजस्सुस सा कर लेता था कि क्यों इसको गैर कहा जाता है, क्यों ना इसकी खोज खुद लगाई जाए। तो फिर क्या, निकलते हैं इस इलाका गैर की सफर पर, इलाका गैर की खोज लगाने। सफर की पहली मंजिल थी जनूबी वजीरिस्तान। जनूबी वजीरिस्तान का तारुफ हमेशा मेरे सामने दहशतगर्दी के साथ किया गया था कि यहां पहुंचकर अभी मेरे दिल में वही खौफ था, लेकिन यहां मैंने हकीकत में कुछ और पाया और वो थी कुदरती खूबसूरती, मेहमान नवाजी और खूबसूरत रीत और रिवाज। अभी तक मुझे वैसा कुछ नहीं मिला शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में कि जिसकी बुनियाद पर मैं इस इलाके को गैर कह सकूं। मिली तो सिर्फ एक चीज़ और वो थी यहाँ का कुदरती हुसन। मैंने सोचा शायद तीसरी एजेंसी में कुछ ना कुछ ऐसा मिले। इसी कोच में मुझे मेरा सफर ले गया मेरी तीसरी मंजिल खुरम एजेंसी की तरफ। कुरम एजेंसी में भी मुझे खूबसूरती, कुदरती हुसन, ऊंचे पहाड़ और ऊंचे पहाड़ों में चरागाहें और बड़ी बड़ी आबशारें, इसके अलावा मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। तो फिर गैर की खोज जारी रखी और सफ़र चलता रहा कि मैं अपनी चौथी मंजिल और अगजई एजेंसी पहुँच गया। शायद मैं लफ्ज गैर को भूलकर हुसन की तलाश में लग गया था और इस हसीन सफर की पांचवी मंजिल खैबर एजेंसी वादी तीरा में पहुंच गया। और इस खूबसूरत सफ़र जो गैर की तलाश में शुरू हुआ था, इसकी आखिरी मंजिल बाजावाड़ एजेंसी थी। वो सफ़र जो गैर की तलाश में शुरू था, वो बिलाखिर पूरे फाटा को देखने के बाद इस नतीजे के साथ तमाम हुआ कि ये इलाका गैर से बदनाम है। इसकी असल हकीकत तो इसका हुसन है जो कि शायद ना कभी किसी ने देखा है और शायद ना किसी ने दिखाने की कोशिश की है।